आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी अध्याय 17 में आयत और वर्ग के क्षेत्रफल सूत्र द्वारा किस प्रकार निकालते हैं वो पढ़ेंगे। अब जैसे ये दिया हुआ आयत, आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आयत कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, अब यहां पे लंबाई कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो 5 × 10 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपकी सूत्र द्वारा इस प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी प्रकार यदि इसका परिमाप निकालना तो आयत का परिमाप, इस परिमाप का सूत्र क्या होगा? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब इसका आयत का निकालना है तो 2 × लंबाई कितनी है? 5। चौड़ाई कितनी है? 2। तो 2 × दोनों को जोड़ेंगे 2 × 7 तो 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आया? 14 सेंटीमीटर। तो जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा इकाई वर्ग में लिखेंगे। वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये जो चित्र दिया हुआ ये वर्ग का है, ये भी 4 है 4 है। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा मतलब क्या हो गया? 4 × 4। तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए? 16। अब 16 वर्ग क्षेत्रफल निकालना, तो मैंने कहा वर्ग, फिर इकाई लिखनी सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब वर्ग का परिमाप निकालना। वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। तो 4 × अब भुजा कितनी है? 4। तो ये 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम आयत और वर्ग के सूत्रों द्वारा भी इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अगले कालांश में फिर मिलेंगे।